हे गाइस, वेलकम बैक एंड स्वागत है सभी का फिर से एक और नए क्लैश ऑफ क्लैंस के एपिसोड में। वापस है, स्वागत है गाइस एक और नए 128 डेज जो हमारा चैलेंज है, मैक्स चैलेंज है, उसको कैसे हम कंप्लीट करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे आज। एंड जैसे कि आप देख सकते हो मेरे 3 बिल्डर्स फ्री हैं। काम क्या क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एंड प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और 10,000 सब्सक्राइबर्स के आसपास पहुंच रहे हैं हम, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। 10,000 हिट हो जाना चाहिए इस मंथ के एंड तक, ठीक है? अगर हो जाता है तो बहुत सही रहेगा। तो आज बहुत काम है, जैसे मैंने बताया 3 बिल्डर्स फ्री हैं और गोल्ड है, एलिक्सिर थोड़ा थोड़ा है, डार्क भी है, तो सारे चीज़ों को हमने वेल बैलेंस किया हुआ है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि क्या क्या अपग्रेड हमारे लिस्ट हैं, क्या करने वाले हम। एंड वॉर वगैरह चल रही है, लास्ट वॉर हम जीत गए एंड मिक्स टाउन हॉल वॉर है। अगर आपको वॉर के हाइलाइट्स वगैरह देखने हैं तो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएं, तो आपके लिए मैं प्रिपेयर करूँगा। हर वॉर का नहीं, एक्चुअली हफ्ते में 2 वीडियोज़ हम आराम से बना सकते हैं, तो मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना। अगर इस वीडियो में 500 लाइक्स क्रॉस हो जाते हैं और कमेंट्स में एटलीस्ट 15 कमेंट्स आते हैं कि हाँ बनाओ, तो बनाएंगे, ठीक है? एंड और एक चीज़ गाइज, इंपॉर्टेंट चीज़, मेन चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, कुछ वीडियोज़ आ रही हैं। एंड नया जो आईफोन सीरीज़ लॉन्च हुआ, आईफोन 15 का प्लान कर रहा हूँ, उसके भी बहुत सारे वीडियोज़, अगर सब कुछ ठीक ठाक जाता है प्लान तो परचेज कर लेंगे वो भी फर्स्ट सेल में, एंड देन उसके काफ़ी वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे। तो प्लीज़ फर्स्ट चैनल की वीडियोज़ को थोड़ा सा प्यार देना एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक किया नहीं है, तो लिंक में डाल दूंगा। प्लीज़ गाइज, थोड़ा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सपोर्ट दिखाना। ओके, तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं एंड देख सकते हो सारी आर्मी वगैरह सब कुछ रेडी है, फटाफट चलते हैं फर्स्ट अटैक में, क्योंकि पहले अटैक करके थोड़े से और मेरे को लूट गेन करने। ओके, टाउन हॉल 12 है, बट इतना ज़्यादा मुश्किल मुझे लग नहीं रहा है, हो जाएगा, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले हम फ्लेम फ्लिंगर को ड्रॉप करेंगे। एक काम करते हैं, कोई ट्रैप वगैरह ना हो, एक वॉल ब्रेकर सेंड करता हूँ। ओके, कोई ट्रैप नहीं है, तो यहाँ पे हम फ्लेम फिंगर ड्रॉप करते हैं एंड फ्लेम फिंगर जैसे ईगल ले लेगा, सिंगल इन्फर्नो टार, ओके, सिंगल इन्फर्नो टार भी चपेटे में आ जाएगा। यस भाई, सही है। तो सिंगल इन्फर्नो भी मिल जाएगा हमें, दोनों साथ साथ मिल जाएगा, तो थोड़ा हम वेट करेंगे, देन हम क्वीन को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, ठीक है? और एक शॉट और एक, यस ओके, सो क्वीन आ जाएगी हमारी, यहाँ पे हीलर्स आ जाएंगे, एक बेबी ड्रैगन आ जाएगा यहाँ पे, एक अर्ली रेज फ्रीज करते हैं इसको। ओ भाई 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 भाई, अरे यार ये कंजूसी मुझे हमेशा ले डूबती है, जब करना ही था रेज तो 1-2 सेकंड पहले क्यों नहीं किया मैंने, ये गलती जो है वो भारी पड़ती है भाई। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इस बार कितनी भारी पड़ती है, नॉर्मली तो बहुत भारी पड़ती है, बट ये बेस थोड़ा सा कंपेरेटिवली मुझे लग रहा है कि इतना टफ मे भी नहीं है, तो शायद हम बच के निकल सकते हैं, देखते हैं। अभी तक तो सब कुछ सही जा रहा है, प्लान के मुताबिक जा रहा है। क्वीन जो है वो टाउन हॉल ग्रैब कर लेगी, मेरा किंग जो है वो ये वाला एरिया क्लियर कर देगा, और मैं यहाँ पे अपना बेबी ड्रैगन ड्रॉप करता हूँ। अच्छा वैल्यू बेबी ड्रैगन का, क्योंकि एक्सबो भी मिल जाएगा, बम टार भी फ्री में मिल रहा है, तो सही है। यहाँ पे किंग को फ्रीज करते हैं, रेज करते हैं एक और बार किंग क्वीन को, एंड बढ़िया, सब कुछ बहुत सही जा रहा है हमारा। टाउन हॉल एक बार मिल जाए यहाँ पे तो कोई बड़ा खतरा है नहीं, फिर हम यहाँ पे अपने हॉग माइनर्स जो हैं वो शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे माइनर्स आ गए, ये हमारा वार्डन आ गया, देन हमारे हॉग राइडर्स आ जाएंगे, और वाव नाइस, टेस्ला फार्म आ गया यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, क्वीन जो है वो मे बी थोड़ी देर बाद वापस घूम के आ जाए। यहाँ पे एक हील करते हैं, रेज कर देते हैं इसमें टेस्ला फार्म में, क्योंकि वैसे भी मुझे कोई खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं उस रेज की, तो सही रहेगा। यहाँ पे हील कर देते हैं, ओके बढ़िया, सही जा रहे हैं। वार्डन एबिलिटी अभी भी बची हुई है हमारे पास, सीसी के हॉग सब ज्वाइन कर रहे हैं, नाइस, वार्डन एबिलिटी ले लेते हैं, चलो बढ़िया। यहाँ पे ये कुछ कॉर्नर में बच तो नहीं गया ना, चल बढ़िया, अच्छा लूट मिला हमें यहाँ पे, बहुत सही क्वांटिटी में हमें गोल्ड मिला, एलिक्सिर डार्क एलिक्सिर सब कुछ बहुत सही मिला। अरे भाई भाई भाई, बैटरी तो देखा ही नहीं था मैंने। तो यहाँ पे हम वापस आ रहे हैं, देन हम कुछ अपग्रेड जैसे मैंने बताया जो मैंने प्लान कर रखे हैं, तो सबसे पहला अपग्रेड जो है वो है क्वीन को एक लेवल अप करेंगे। मैंने एक बुक परचेज करके रखा है, तो ये गई मेरी क्वीन और ये हमने कर दिया बुक से फिनिश। तो क्वीन जो है हमारी 45 की हो चुकी है, अब बस 5 लेवल बचे हैं, बहुत सही है। वार्डन जाएगा हमारा, बट वो एक अटैक हम और करेंगे उसके बाद ही डालेंगे। एंड रेड मेडल से मैंने जो हमारा नया ट्रेडर डील आ गया था उससे मैंने यहाँ पे कुछ रिसर्च पोशन लेके रखे थे, तो जो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो सही है। अब ये जो माइनर्स है वो कल, मतलब कल तो नहीं, परसों तक हो जाएंगे,
तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्या डालेंगे, अभी प्लान नहीं है कुछ। आई थिंक मैं नहीं पता, अभी श्योर नहीं हूँ मैं, देखते हैं जैसा अवेलेबिलिटी होगी एलेक्सर डार्क एलेक्सर की उस हिसाब से हम मैनेज करेंगे। एंड अब जैसे मैं बता रहा था कि डिफेंस अपग्रेड हमने करना है, और डिफेंस अपग्रेड की बात करूँ तो मैं इन्फर्नो टार्स को प्लान कर रहा हूँ, तो एक इन्फर्नो टार हम यहाँ पे अपग्रेड पे डाल देंगे। अब इन्फर्नो टार्स दो लेवल जाते हैं टाउन 11 पे, तो अभी तो मैक्स नहीं होगा, एक और लेवल हमें डालना पड़ेगा, तो अभी फिलहाल एक लेवल मैंने डाल दिया है। और दो बिल्डर्स अभी भी फ्री हैं, एक जाएगा हमारा स्टोरेज पे, ये दो दिन का अपग्रेड है, तो ये स्टोरेज को मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अब मेरे को स्टोरेज कंप्लीट करना है, मैंने बीच में काफ़ी ब्रेक लिया स्टोरेज से, बट अब फाइनली वापस आ चुका हूँ मैं स्टोरेज पे। सारे आर्मी कैंप्स हमारे फिनिश हो चुके हैं तो सही है, अब स्टोरेज बाकी के दो भी मैं फिनिश कर लूँगा जल्दी, एंड देन उसके बाद हम पूरा का पूरा फोकस जो है वो डिफेंस पे लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। वॉल्स भी बीच बीच में मैं अपग्रेड करता ही रहूँगा। यहाँ पर मेरा वार्डन को 31 चाहिए, तो इनफ है मेरे पास। भाई 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 भाई, एक और यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 लाख से ज़्यादा गोल्ड है यहाँ पे। एलेक्सिर भी अच्छा है, डार्क एलेक्सिर भी डिसेंट है, तो यहाँ पे हमें एक और तगड़ा वाला बेस मिल गया है। एंड ईगल इस साइड है, तो आई थिंक मुझे इस साइड से जाना चाहिए। इस बेस में मुझे लग रहा है सीसी की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, देखते हैं, पहले तो यूज़ नहीं करेंगे, अगर बाद में देखें कि भाई नहीं हो रहा है तो फिर स्विच कर सकते हैं प्लान में। अभी तक तो प्लान यही है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन ड्रॉप कर देते हैं, एक बेबी ड्रैगन और है तो उसको यहाँ ड्रॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेयर भी ओपन करेंगे, दो वॉल ब्रेकर यहाँ सेंड करता हूँ, ईगल यहाँ से मिल जाए, बट एक इन्फर्नो इसका सिंगल है तो वो एक खतरा है, तो देखते हैं क्या होता है। लग तो रहा है कि हो जाएगा क्योंकि इन्फर्नो थोड़ा एक्सेसिबल है क्वीन से, तो दो और वॉल ब्रेकर सेंड करता हूँ। भाई वॉल ब्रेकर्स मेरे एक के बाद एक फेल हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये भाई साहब, क्या टाइमिंग थी मेरी, मतलब हर बार मेरी टाइमिंग जो है वो बिल्कुल ही गलत साबित हुई वहां पे। अरे भाई भाई, बहुत सारे माइंस वगैरह लग रहे हैं भाई, एक के बाद एक माइंस। क्वीन की हालत बहुत पतली है, बहुत ज्यादा पतली, यहाँ पे फ्रीज करना पड़ेगा वरना एबिलिटी जाएगी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे किंग जो है वो यूज करते हैं, थोड़ा सा फंसे हुए हैं, बट इतना मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा फंसे हुए हैं मैं मान रहा हूँ, बट कोई चिंता करने वाली विषय है नहीं। क्वीन जो है वो इवेंचुअली वापस आ जाएगी, और सही है, मैं डायरेक्टली कोर में सेंड कर दूंगा अपने हाइब्रिड को। किंग जो है वो वॉल ब्रेक करेगा, वैसे ये वॉल्स जो है वो थोड़े लो लेवल हैं तो इतना खतरा नहीं है उसमें। अरे भाई, एक तो बचे ही हैं दो हीलर्स, उसके ऊपर भी हीलर्स को ही टारगेट किए जा रहे हैं। चलो यहाँ पे एक और रेज करते हैं, वैसे हीलर्स का तो कोई और भरोसा रहा नहीं है। एक काम करते हैं, सारे के सारे माइनर जो है वो सेंटर में ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे वार्डन आ जाएगा और यहाँ पे सारे हॉग्स भी सेंटर में आ जाएंगे, चलेगा, फ्रीज कर देंगे एंड रेज कर देंगे कोर को, ठीक है, बढ़िया। आ जाओ वार्डन, आ गया ना, ये वार्डन हमेशा पीछे रहता है, गुस्सा आता है मुझे। चल, एबिलिटी में सब कुछ आ गया, परफेक्ट, बढ़िया। ओके, यहाँ पे हील कर देते हैं, बढ़िया। यहाँ पे एक वो है माइनर है, उसको सेंड करता हूँ, और दो मिनियन, अभी भी एक और हील बचा है हमारे पास, सो इजीली हमने कंप्लीट कर लिया। पहले ऐसा लग रहा था कि वैसे डिफेंस काफ़ी लो थे इसके, ये तो मानना पड़ेगा, तो क्वीन एबिलिटी हम यूज़ कर लेते हैं, फटाफट इस बेस को हम फिनिश करते हैं और जाके अपना वार्डन को अपग्रेड पे लगा देते हैं। थोड़ा एलेक्सिर मेरे पास है तो दो एक वॉल भी हम कर सकते हैं। पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि नेक्स्ट बिल्डर कब फ्री होगा, मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है, उस हिसाब से हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर देखेंगे तो अगर टाइम रहा हमारे पास तो हम वॉल्स कर सकते हैं, बट अगर ऐसा है कि बिल्डर जो है वो बहुत जल्दी फ्री हो रहे हैं तो हम उसको होल्ड कर पाएंगे, ठीक है। चलो आते हैं फटाफट एंड देखते हैं कि सीन क्या बना है। सबसे पहले ट्रेजरी में जो मिला वो उठा लेता हूँ, और उसके बाद चेक करते हैं कि बिल्डर्स कब कब फ्री हो रहे हैं। तो ये दो दिन, और ये कितने का है, ये है एक दिन, ऑलमोस्ट दो दिन ना, हाँ, तो हमारे पास वक्त है, दो चार वॉल्स हम कर सकते हैं। तो पहले हम गोल्ड से कर लेते हैं, 1, 2, 3, वो लूट का बोनस भी मिलेगा वॉर का जो है, तो मिला जुला के हम डिसेंट आ जाएंगे। और यहाँ पे 1, 2, ठीक है, 2 ठीक है। चलो यहाँ पे वार्डन लगा दिया हमने, कुछ वॉल्स भी कर लिए, बहुत सही रहा आज का एपिसोड हमारा, बहुत अच्छा पेस हमने मेंटेन कर रखा है इस वाले सीरीज में। और यहाँ पे आर्मी ट्रेन करने के डाल देता हूँ, मैं श्योर हूँ कि हो जाएगा 120 दिन में, बट फिर भी हमें कहीं भी लापरवाही नहीं बरतनी है, कहीं भी ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा रिलैक्स कर लिया हमने और बाद में देखा कि भाई यहाँ पे जान आ गई, तो ऐसा नहीं करना है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, होप श्योर आपने वीडियो एंजॉय करा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जैसे मैंने बताया, प्लीज़ थोड़ा मेन चैनल को
फॉलो कीजिए, आने वाले टाइम पे कुछ अच्छे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहें एज ऑलवेज गाइस, जय हिंद बाय।